आजकल सभी के घर में अक्सर आपको धातु का कछुआ देखने को मिल जाएगा। आप देखते होंगे बहुत से लोग तो अपने वर्किंग टेबल पर घर के ड्राइंग रूम में या घर के किसी कोने में धातु का कछुआ रखते हैं। बताया जाता है कि इस कछुए से घर में काफी सुख शांति आती है। वास्तु के हिसाब से इसके रहने से घर में सुरक्षा और स्थिरता दोनों रहती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दूसरों को देखकर ही हम अपने घर में कछुआ रख लेते हैं? इसके लिए वास्तु और फेंग शुई दोनों में स्थान निश्चित किए गए हैं। इसको घर में रखने की एक विधि भी है और शुभ मुहूर्त भी होता है। यदि आप भी अपने घर में कछुआ रखेंगे तो आपको इसका काफी लाभ मिलेगा और हर तरफ की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। चलिए आपको बता दें, कछुआ भगवान विष्णु के कुर्म अवतार का प्रतीक है। ये घर में शुभ माहौल बनाता है। इससे घर में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है, सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है। कई बार कछुआ 200 से 300 साल तक जीते हैं। इस कारण से अपने आसपास लोगों की उम्र बढ़ाने में भी ये मदद करता है। कछुए की चाल बहुत धीमी होती है, इसी कारण उसके आसपास की जो एनर्जी होती है वो भी धीरे हो जाती है। इसलिए भी इसको काफी शुभ माना गया है। घर में इसको रखने का समय और शुभ मुहूर्त भी आपको बताते हैं। आपको बता दें, ऐसे रखें घर में कछुआ। यदि आप भी घर में कछुआ रखना चाहते हैं तो आप घर में तांबे का कछुआ पूर्णिमा पर रखें, क्योंकि इसी तिथि को भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, इसलिए यह काफी शुभ होता है। सबसे पहले पूर्णिमा पर कछुआ सुबह खरीद कर लाएं और फिर उसे कच्चे दूध में डुबा कर रख दें। ऐसा करने से वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। आपको बता दें, दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच या इस समय का अभिजीत मुहूर्त पंचांग में देखकर कछुए को दूध से निकालें और कांच के कटोरे में पानी भरकर उसमें कछुआ स्थापित कर दें। घर में कभी भी याद रखें, कछुआ पानी में रहने वाला जीव होता है, सो उसके लिए पानी वाली दिशा यानी कि घर का उत्तर पूर्व कोना सबसे अच्छा माना जाता है और उसे कुमकुम चावल जरूर चढ़ाएं। आप इसको स्थापित करने के लिए 11 बार ओम श्री कुमार नमः मंत्र का जाप करें। यह कुछ आसान से उपाय करके आप घर में धन का आगमन कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।